बिना मतदान के सूरत लोकसभा सीट पर जीते भाजपा प्रत्याशी मुकेश दलाल। गुजरात के सूरत से कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन खारिज होने के अगले ही दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना पहला लोकसभा चुनाव जीत लिया। 8 उम्मीदवारों ने एक एक करके नाम वापस ले लिए, जिससे मुकेश दलाल बिना किसी विरोध के निर्वाचित पदाधिकारी बन गए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि सूरत लोकसभा सीट के उम्मीदवार श्री मुकेश भाई दलाल को निर्विरोध निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। वहीं गुजरात भाजपा प्रमुख CR पाटिल ने दलाल को बधाई देते हुए एक बयान में कहा कि सूरत लोकसभा सीट के उम्मीदवार मुकेश दलाल को बिना किसी विरोध के निर्वाचित होने पर बधाई और शुभकामनाएं। रिटर्निंग ऑफिसर सौरभ पारधी ने एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि कुंभानी और पटशाला द्वारा प्रस्तुत किए गए 4 नामांकन फॉर्म अस्वीकार कर दिए गए, क्योंकि प्रस्तावकों के हस्ताक्षरों में शुरू में ही अंतर पाया गया था, जिससे वे नकली लग रहे थे। पारधी के आदेश में आगे बताया गया है कि प्रस्तावकों ने अपने हलफनामों में दावा किया है कि उन्होंने स्वयं फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कुंभानी के 3 प्रस्तावक उनके रिश्तेदार थे। प्रस्तावकों के दावे के बाद नीलेश कुंभानी को रिटर्निंग ऑफिसर ने अपना जवाब देने के लिए 1 दिन का समय दिया। कांग्रेस उम्मीदवार अपने प्रतिनिधि के साथ मतदान स्थल पर पहुंचे, हालांकि उनके 3 प्रस्तावकों में से कोई भी नहीं आया। कांग्रेस उम्मीदवार के वकील ने अनुरोध किया था कि कैमरे के टेप की जांच की जाए, लेकिन उनकी मौजूदगी का पता नहीं चला। कांग्रेस ने कहा कि सरकार की धमकी से सभी डरे हुए हैं और सत्तारूढ़ भाजपा पर गंदे खेल में शामिल होने का आरोप लगाया। मंगुकिया के अनुसार हस्ताक्षरों की टैली चेकिंग किए बिना तथा प्रस्तावकों के हस्ताक्षर सही हैं या नहीं यह निर्धारित किए बिना फॉर्म रद्द करना अनुचित था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि PM मोदी के अन्यायपूर्ण कार्यकाल में MSME मालिकों और व्यापारियों की समस्या और गुस्से को देखकर भाजपा इतनी डर गई है कि वह सूरत लोकसभा का मैच फिक्स करने की कोशिश कर रही है। 1984 के लोकसभा चुनाव के बाद से वे हमेशा इस सीट पर जीतते रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सब कुछ गंभीर रूप से खतरे में है, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, हमारा लोकतंत्र और हमारे चुनाव शामिल है। यह चुनाव हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में।